अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद। आज हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में, सेलिएंट फीचर्स के बारे में, इसकी फॉर्मेशन के बारे में और इसकी कुछ कंडीशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। फेडरल सिस्टम होता क्या है? फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पावर्स डिवाइड होती हैं बिटवीन द सेंटर एंड द फेडरेटिंग यूनिट्स। फेडरेटिंग यूनिट्स पाकिस्तान में इन्हें प्रोविंसेस कहा जाता है, अमेरिका में इन्हें स्टेट्स कहा जाता है और स्विट्जरलैंड में ये कैंटन्स कहलाती हैं। तो जब पावर्स डिवाइड होती हैं तो सेंटर में होती हैं और प्रोविंसेस में होती हैं, मतलब कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इनका एक दूसरे पे कोई इन्हसार नहीं रहता, अपने काम खुद करते हैं। सेंटर काम करता है नेशनल लेवल पे और जो प्रोविजंस हैं वो रीजनल लेवल पे काम करते हैं। तो ये थे इसके इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन में हैमिल्टन बयान करते हैं। हैमिल्टन कहते हैं जो फेडरेशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स की जिससे नई यूनियंस बनती हैं। तो ये थी डेफिनेशन जो हैमिल्टन ने बयान किया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर में पावर डिवाइड होती है सेंटर में और फेडरेटिंग यूनिट्स में, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो क्या होता है कि फेडरेटिंग यूनिट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो दखल अंदाजी नहीं करती और सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोविजंस दखल अंदाजी नहीं करती। तो ये है डिवीजन ऑफ पावर। उसके बाद हम बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सॉवरन होता है, सबसे आला होता है। इसका क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं और जो सेंटर होता है वो पावर लेता है, अपनी जो सारी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन नहीं होगा तो वो अपने मामलात को कैसे हल करेंगे, इस वजह से सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाया गया है ताकि कोई भी इसमें अमेंडमेंट ना कर सके, अगर करनी भी हो तो उसका प्रोसीजर बहुत ही लंबा और मुख्तलिफ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जुडिशरी। जुडिशरी एज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी एक ऐसा अदारा है या एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव है जो कि जो कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं सेंटर के दरमियान और जो फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान होते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। तो इस वजह से इसे कहा गया है जुडिशरी एज गार्डियन। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूल सिटीजनशिप। ड्यूल सिटीजनशिप में क्या होता है कि जो हर शहरी है उसे दो तरह के कानून मानने पड़ते हैं, एक जो सेंटर से आते हैं और दूसरे जो फेडरेटिंग यूनिट से आते हैं। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन के बारे में। ये बनता किस तरीके से? ये दो तरीके से बनता है। पहले तरीके में ये होता है कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस होते हैं वो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो बाद में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जिसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। उसके बाद दूसरा ये होता है कि जो यूनिटरी सिस्टम होता है जब उसको स्प्लिट किया जाता है, जब उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, कंपोनेंट्स में, तो वो बन जाते हैं फेडरेटिंग यूनिट्स, जो कि एक सेंटर बन जाता है और दूसरा फेडरेटिंग यूनिट्स बन जाते हैं। तो ये थी इसकी फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में। ये ऐसी कंडीशन हैं जो फेडरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हैं, जिसमें नंबर वन पे आता है डिजायर फॉर यूनियन, मतलब कि स्टेट्स के दरमियान जो प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान एक डिजायर होनी चाहिए यूनियन की, मतलब कि एक दूसरे को वो अपनी तरफ खींचे, ये ना हो कि एक दूसरे से परे कर दें जिसकी वजह से उनके सेपरेशन होने का खतरा है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं थ्रेट फॉर बिग स्टेट्स। थ्रेट फॉर बिग स्टेट्स क्या है? जब थ्रेट मतलब कि बड़ी स्टेट से कोई हमला होता है तो हमारी जो स्टेट्स होती हैं आपस में यूनाइट हो जाती हैं, मिल जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हमें उस थ्रेट का, उस बड़ी स्टेट का इतना खौफ नहीं रहता क्योंकि हम आपस में यूनियन हो चुके होते हैं। अब हम बात करते हैं एस्पिरेशन ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी। एस्पिरेशन ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, आजादी। एस्पिरेशन का इसमें मतलब ये होता है कि एक डिजायर होती है प्रोविंसेस के दरमियान कि उन्हें आजादी चाहिए। अगर उन्हें आजादी नहीं चाहिए तो ये एक यूनिटरी सिस्टम बन जाएगा जो कि सेंटर पे डिपेंड करेगा। अगर इसे फेडरेटिंग यूनिट बनाना है या फेडरेटिंग सिस्टम बनाना है तो फिर हमें ऑटोनॉमी चाहिए, आजादी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो ये था एस्पिरेशन फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। उसके बाद हम बात करते हैं जियोग्राफिकली यूनिटी। जियोग्राफिकली यूनिटी में क्या होता है
के फिजिकल लिंकेज होता है स्टेट्स के दरमियान, प्रोविंसेस के दरमियान, जिसकी वजह से क्या होता है वो यूनियन बना के रहते हैं। अगर जियोग्राफिकली डिस्टेंस ज्यादा हो उनके दरमियान, सूबों के दरमियान या स्टेट्स के दरमियान, तो फिर क्या होगा, तो जैसे पाकिस्तान की एक स्टेट बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में सेपरेट होगी, वैसे ही दूसरे प्रोविंसेस भी सेपरेट हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉमन कल्चर के बारे में। स्टेट्स के दरमियान कॉमन कल्चर होना चाहिए जिसकी वजह से वो आपस में यूनाइट होके रहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में मेजोरिटी जो है वो मुसलमानों की है, जिसकी वजह से यहाँ पे यूनियन मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं सिमिलरिटी इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि इसमें हर बात जो हुई है वो यूनिटी के बारे में हुई है। अगर यूनिटी होगी तो सक्सेसफुल फेडरेशन बनेगी। वैसे ही हम बात करते हैं सिमिलरिटी इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो इसमें भी यूनिटी होनी चाहिए जो सिर्फ डेमोक्रेसी से आ सकती है। अगर मुल्क में डिक्टेटरशिप आती है तो बादशाह, डिक्टेटरशिप होता है बादशाहत, अगर बादशाहत आ जाती है तो जो बादशाह होता है वो अपनी मर्जी के लिए, अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। तो डेमोक्रेसी होने की वजह से पूरे मुल्क में एक जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो इस वजह से सिमिलरिटी इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज एडिक्वेट। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर ये किसी पर डिपेंड करेंगे तो अपना काम ठीक से नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो मुआशियत है पाकिस्तान की या किसी भी स्टेट की वो नीचे आ जाएगी। जिसकी वजह से अगर फेडरेशन को कामयाब बनाना है तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है इन्हें इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वेलिटी अमंग फेडरेटिंग यूनिट्स। अगर फेडरेटिंग यूनिट्स या स्टेट्स के दरमियान इक्वेलिटी नहीं होगी, अनइक्वेलिटी होगी, तो क्या होगा कि जो दूसरी स्टेट है जिसमें अनइक्वेलिटी हो रही है वो एक सेपरेट मुल्क की डिमांड कर लेगी, जिसकी वजह से फेडरेटिंग सिस्टम खत्म हो सकता है। अब हम बात करते हैं गुड लीडरशिप के बारे में। अगर मुल्क में कोई सक्सेसफुल फेडरेशन चलाना चाहता है तो लीडर को ब्रॉड विजन होना चाहिए, मतलब कि वो क्लियर देख सके कि इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, और उसे इंटेलिजेंट भी होना चाहिए और साथ में उसे ये भी आता हो कि कैसे लोगों को यूनाइट कर सके। तो ये थी इसकी कंडीशंस। आज हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, सेलियंट फीचर्स के बारे में पढ़ा है, इसकी फॉर्मेशन और इसकी कंडीशंस, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रह गए हैं जो कि मैं यूनिटरी सिस्टम के साथ ही बता दूंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।